जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। सप्तम स्कंद के पांचवें अध्याय के 25वें श्लोक में भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम विष्णो हो श्रवणम, प्रभु के कथा कीर्तन श्रवण करना प्रथम अंग है। विष्णो हो कीर्तनम, उनका नाम गुण रूप लीला आदि का कीर्तन करना, यह द्वितीय प्रकार है। नवधा से तात्पर्य नौ प्रकार, प्रकार अर्थ में धा ये प्रत्यय होता है, तो नवधा यानी नौ प्रकार से। तो प्रथम प्रकार है श्रवण, द्वितीय प्रकार है कीर्तन, तृतीय प्रकार है स्मरण, श्रुत विषय का उक्त विषय का मन से स्मरण करना, चतुर्थ प्रकार है पाद सेवनम, तीर्थाटन करना, श्री विग्रह के दर्शन करना, प्रदक्षिणा करना, ये चतुर्थ प्रकार में आता है। पंचम है अर्चन, विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से अर्चना करना। छठवा है वंदन, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना। सातवा है दास्य, दास्य से तात्पर्य सर्व कर्मार्पण, प्रभु के निमित्त कर्म करना। आठवा है सख्य, सख्य में विश्वास का प्राधान्य रहता है, हमारे प्रभु जो करेंगे वह हमारे हित में ही करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। सर्वत्र सर्वदा उनकी कृपा करुणा को ही देखना, यह अष्टम प्रकार है। और नवम प्रकार है आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम से तात्पर्य अपने को उनके समर्पित कर दिया, शरीर की योगक्षेम आदि की किसी भी प्रकार की चिंता से रहित हो जाना। अब श्री ठाकुर जी की जिम्मेदारी बन गई, वह संभालेंगे, तो किसी भी प्रकार की चिंता से रहित हो जाना, उनको अपने आप को समर्पित कर देना, यह आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति यानी भक्ति के नौ प्रकार बताए गए। इनमें से एक का भी भली भांति अनुष्ठान हो जाता है तो अन्य सब का उसी अंग में अंतर्भाव हो जाता है। यानी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो निश्चित है कीर्तन में भी मन लगेगा, स्मरण में भी मन लग जाएगा, उनकी अर्चना भी आरंभ हो जाएगी। यदि श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करेंगे तो श्रवण का भी अवसर मिलेगा,
अर्चन में भी मन लगेगा। कहने का तात्पर्य, एक अंग का भी भलीभांति अनुष्ठान होता है तो अन्यों का अंतर्भाव उसमें स्वतः हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो श्रवण भक्ति का उपासक हो वह कीर्तन से द्वेष करे या अर्चन से द्वेष करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपितु उसकी प्रियता उतनी कीर्तन में, उतनी अर्चन में, उतनी बंधन में बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो भक्ति का अनुष्ठान है उसके दो भेद श्री जीव गोस्वामी जी ने किए, सासंग अनुष्ठान और अनासंग अनुष्ठान। सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य है तन्मय होकर के श्रवण कर रहे हैं तो एकदम तन्मय होकर के उसी में डूब करके कीर्तन कर रहे हैं तन्मय होकर के, अन्य की विस्मृति पूर्वक, अन्य इतर चर्चाओं की इतर वार्ताओं की स्मृति ही न रहे, तन्मयता पूर्वक तद्भाव से भावित होकर के। जो भक्त की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी, तद्भाव भावित स्वान्तः कृष्ण भक्त रीति रीतः, बोले कृष्ण भक्त कौन है, बोले तद्भाव भावित स्वान्तः। तद्भाव से तात्पर्य कृष्ण भाव से भावित जिसका अंतःकरण है, कृष्ण भाव से भावित जिसका मन है, चित्त है, अंतःकरण है, वह कृष्ण भक्त कहा जाता है। तद्भाव भावित स्वान्तः कृष्ण भक्त रीति रीतः। और हमको पता कैसे चले हम किस भाव से भावित हैं, बोले जिस भाव से भावित होंगे उसी का निरंतर चिंतन चलेगा। यदि काम भाव से भावित हैं तो सतत कामिनी का चिंतन चलेगा, यदि लोभ भाव से भावित हैं तो सतत पैसे का चिंतन चलेगा, अर्थ का चिंतन चलेगा, क्रोध भाव से भावित हैं, द्वेष से भावित हैं, शत्रु का चिंतन चलेगा, उसका अनिष्ट करने का चिंतन चलेगा, दूसरों का अपकार करने का चिंतन चलेगा। तो जिस भाव से भावित हम रहेंगे वैसा ही हमारा चिंतन, वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा 8वें अध्याय के 4th-5th श्लोक में, यम जम बापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम जम बापि स्मरण भावं, जिस जिस भाव को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को उसका चिंतन करते हुए, त्यत अन्ते कलेवरम, इस शरीर का परित्याग करता है यानी मृत्यु काल में जिस वस्तु का चिंतन चलता है, जिस व्यक्ति का चिंतन चलता है, जिस पदार्थ का चिंतन चलता है, तो तम तमेवैत कौन्तेय,
हे कौन्तेय, तम माने उसको, एव माने ही, निश्चित ही, एति माने प्राप्त करता है। तम तमेवैति कौन्तेय, तम माने उसी वस्तु को या उसी भाव को, उसी पदार्थ को, एव माने निश्चित ही, एति माने प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? बोले सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन तद्भाव में निकला है। तद्भाव से तात्पर्य उसी वस्तु के चिंतन में निकला है, उसी व्यक्ति के चिंतन में निकला है, उसी पदार्थ के चिंतन में निकला है, इसलिए अंतिम बेला में भी उसको उसी का चिंतन होगा। संपूर्ण जीवन भर जिस किसी कार्य में हम अविनिवेश पूर्वक लगे रहे, सासंग यानी आसक्ति पूर्वक लगे रहे, तो अंतिम वेला में भी वही चिंतन, वही स्मरण बनेगा, और वह अंतिम चिंतन ही हमारी आगामी गति का हेतु बनेगा। हमको कहाँ जाना है? प्रसिद्ध उदाहरण है श्री भरत जी का, ऋषभ देव जी के पुत्र थे श्री भरत जी। ऋषभ देव जी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया अपने पुत्रों को, सर्वस्व परित्याग करके श्री भरत जी जंगल में चले आए भगवान की आराधना करने के लिए, और बड़ी तन्मयता पूर्वक आराधना करने लग गए। कालांतर में गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी में स्नान संध्या आदि कर रहे थे, उसी काल में उन्होंने देखा कि एक मृगी जल पीने के लिए आई है। इतने में किसी सिंह ने भयंकर गर्जना की, तो मृगी गर्भिणी थी, उसने भयाक्रांत होकर के उस नदी को पार करना चाहा, छलांग लगाई, तो वह तो नदी से पार हो गई, लेकिन गर्भिणी थी, उसका गर्भस्राव हो गया, गर्भस्थ शिशु नदी में गिर पड़ा, और वह छोटा सा मृग शावक नदी में बहने लग गया। मृगी ने छटपटा करके प्राण त्याग कर दिया। इधर जड़ भरत जी देख रहे हैं, तो उनको लगा ये तो मर जाएगा बेचारा मृग शावक, तो नदी में कूद करके उस मृग के उस शावक को बचा लिया, कुटिया में ले आए, उसका पालन पोषण किया। शनै शनै उस मृग में श्री भरत जी का अनुराग बढ़ता चला गया। यह गड़बड़ी हो गई, दया की, दया करना चाहिए, क्योंकि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दना। दया भगवान की प्रसन्नता का ही हेतु है, लेकिन ऐसी दया किस काम की जिसमें अपने आराध्य को ही भूल गए, यानी साधन को ही छोड़ बैठे। साधन के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए, एक संत कहते थे। यानी ऐसी दया किस काम की जिसमें हम स्वयं ही दयनीय बन गए, हमारा संपूर्ण भजन छूट गया, आराधन छूट गया, चिंतन छूट गया, स्मरण छूट गया, तो वह दया तो आसक्ति का रूप ले लेती है। तो मृग में आसक्ति बढ़ती चलेगी श्री जड़ भरत जी की। अब तो जैसे जैसे मृग में आसक्ति बढ़ती चली गई, भगवान से मन हटता चला गया, क्योंकि स्वाभाविक है।
पूर्व दिशा की ओर जितना दौड़ोगे पश्चिम दिशा उतनी ही पीछे रहती चली जाएगी। पूर्व की ओर जितना आगे बढ़ोगे पश्चिम दिशा उतनी ही पीछे रहती चली जाएगी। पश्चिम की ओर जितना बढ़ोगे पूर्व दिशा उतनी ही पीछे रहती चली जाएगी। ठाकुर जी की ओर जितना बढ़ेंगे संसार उतना छूटता चला जाएगा। जितने अनुपात में हमारा भजन भगवान में हमारी आसक्ति हो रही है उतने अनुपात में स्वतः संसार से मन हटता चला जाएगा, संसार से आसक्ति हटती चली जाएगी। क्योंकि मन तो एक ही है और यदि संसार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, संसार में आसक्ति होती चली जा रही है, तो उतने ही हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। तो मृग में अनुराग बढ़ता चला गया तो अभी तक जो साधन का क्रम था बड़ा तीव्र साधन चल रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी भरत जी अपने आप को भूल जाते थे, इतने डूब जाते थे अर्चन में। मृग में मन फंस गया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि जड़ भरत जी ने मृग को आश्रम में रखा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, आश्रम में स्थान दिया इसमें कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन उस मृग को हृदय में स्थान दे दिया यह गड़बड़ कर बैठे। हृदय में मन में केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए स्थान होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मई एव मन आदस्व मई बुद्धिम निवेशया। जो मन का आधान है वह केवल मुझ में करो। मई एव, एव से अन्य चीजें हट जाती हैं, इतर वस्तुओं में नहीं। मई एव मन आदस्व, मुझ में ही मन का आधान करो, मुझ में ही मन को लगाओ। मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, 7वें अध्याय का 1वां श्लोक। योगम युंजन साधन कर रहे हो कैसे करो, बोले मैया सक्त मना हो करके। मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयम असंशयम समग्रम माम ताज्ञास्यसि तच्छृणु। निश्चित ही मुझे पूर्ण रूप से तू जान जाएगा, 7वें अध्याय का 1वां श्लोक है। तो मैया सक्त मना, भगवान में मन लगे, अन्य वस्तुओं से मन हटे। जितने भी साधन हैं आत्म कल्याण के, जप तप कथा कीर्तन, जो भी जितने भी साधन शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का जो तात्पर्य है वह इतने में ही है। श्री सनत कुमार जी ने पृथ्वी जी को उपदेश दिया चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में। तो पृथ्वी जी ने वहां प्रश्न किया जीवों के कल्याण के विषय में, तदहम कृत विश्रम्भ पप्रच्छेव तपस्विनाम क्षेम केनांजसा भवेत। 21-22वें श्लोक के लगभग आता है। तो वहां सनत कुमार जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। सनत कुमार जी ने कहा, राजन आपने सभी जीवों के कल्याण के विषय में प्रश्न किया है, सहज में कल्याण कैसे हो? तो सनत कुमार जी वहां बताते हैं, शास्त्रेषु यान एव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विमर्शेष हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मण निर्गुणे चया। शास्त्रेषु यान एव,
शास्त्रेषु बहुवचने, यानी संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत। यान एव, यान माने इतना, यान शब्द परिमापक शब्द है, परिमाण अर्थ में वत प्रत्यय होता है इदम शब्द से। तो यान एव, यान माने इतना, एव यानी ही, शास्त्रीय सुयानी व सुनिश्चितो निणाम क्षेमस्य सदृग विमृशेष हेतु, सदृग विमृशेष हेतु, सदृग विमृशेष यह शास्त्रीय सु का विशेषण पद है। यानी कैसे शास्त्रों में, कैसे ग्रंथों में बोले सदृग विमृशेष, यानी सम्यक विचार वत्सु, जो उत्तमोत्तम ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, आत्मकल्याण की ही जिनमें चर्चा की गई है, इतर चर्चा जिनमें नहीं है, ऐसे उत्तमोत्तम ग्रंथों में, शास्त्रों में यान एव सुनिश्चितः निर्णाम क्षेमस्य हेतु, निर्णाम यानी जीवों के, क्षेमस्य माने कल्याण का, हेतु माने कारण, यान माने इतना ही, सुनिश्चितः माने अच्छी प्रकार से निश्चय किया गया है, चयन किया गया है, चितः निश्चितः सुनिश्चितः, चित माने चयन करना, चिय चयने धातु है। जैसे वाटिका में अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, तो उन पुष्पों में जो भली भांति विकसित पुष्प हैं उनका माली चयन करता है, चयन करके उनको माला में ग्रथित करके ठाकुर को अर्पित करता है। तो ऐसे शास्त्रों में अनेक बातें, अनेक सिद्धांत लिखे हुए हैं, उनमें चितः माने चयन किया गया, निश्चितः सुनिश्चितः दो उपसर्ग लगाए गए, यानी भली भांति विचार करके भली भांति चयन किया गया, कोई उसमें प्रमाद आदि नहीं है, असावधानता नहीं है, भली भांति उन उत्तमोत्तम ज्ञान से संपन्न, कल्याण के साधनों से संपन्न शास्त्रों में यान एव माने इतना ही, निर्णाम क्षेमस्य हेतु माने जीवों के कल्याण का हेतु, चितः सुनिश्चितः माने चयन किया गया। बोले क्या, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया, आत्म व्यतिरिक्त असंग, आत्म व्यतिरिक्त से तात्पर्य आत्मा यानी श्री ठाकुर जी, उनसे व्यतिरिक्त माने इतर, जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनसे असंग, जहाँ मन हमारा चिपका हुआ है शरीर संसार में, तो वहां से मन हट जाए। असंग आत्म व्यतिरिक्ति, आप जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका तात्पर्य इतने में है, असंग आत्म व्यतिरिक्ति, आत्मा यानी श्री ठाकुर जी से जो व्यतिरिक्त, यानी जो पृथक, यानी जो इतर वस्तुएं हैं, यानी यह शरीर, यह संसार, इनसे मन हट जाए, और दृढ़ा रतिर निर्गुण ब्रह्मणे चया, और भगवान में दृढ़ा रति हो जाए, यानी शरीर और संसार से मन हट जाए और भगवान में दृढ़ता से मन लग जाए, संपूर्ण साधनों का पर्यवसान, संपूर्ण साधनों की सार्थकता, संपूर्ण साधनों की सफलता इतने में है। असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया, और यदि यह अवस्था नहीं आ रही, हम भजन भी कर रहे हैं लेकिन संसार में मन और चिपकता चला जा रहा है, प्रापंचिक वार्ताओं में मन को और अच्छा लगता है, निंदा स्तुति के चक्र में पड़ता चला जा रहा है, राग द्वेष की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो वहाँ
विचार करना चाहिए, हमारे साधन में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, हम किस लक्ष्य को लेकर के निकले थे और कहाँ आ गए, घूम फिर करके वहीं भूल भुलैया। लखनऊ में एक भवन बताते हैं, उसका नाम है भूल भुलैया। उसमें यदि कोई साथ में न हो वहाँ का व्यक्ति, तो लोग भटकते रहते हैं। ऐसा बताते हैं, कोई नवाब था वहाँ का, तो उस समय अकाल पड़ा था, तो उस नवाब ने गरीब लोगों को मजदूरी देने के लिए बोले कुछ इनको काम बताएं, कुछ काम करेंगे उसके बदले में इनको पैसा दे देंगे। तो भूल भुलैया हुआ भवन बनवाया था, उसमें यदि वहाँ का स्थानीय व्यक्ति कोई आपके साथ में नहीं हो तो आप उसी में भटकते रहेंगे। ऐसे दरवाजे, ऐसी ऐसी उसमें गलियां, जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं, अभी यहाँ से निकल करके गए वहीं के वहीं घूम करके फिर आ जाएंगे, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं सूझता उसमें। उस भवन का नाम है भूल भुलैया। तो ऐसा या भूल भुलैया के चक्कर में पड़ जाएं, जहाँ से निकले थे वहीं घूम फिर कर फिर आ जाएं। जिन राग द्वेष ईर्ष्या अमर्ष असूया आदियों को छोड़ने के लिए चले थे, जिन आसक्तियों को छोड़ने के लिए चले थे, जिन राग द्वेष के बंधनों को काटने के लिए चले थे, जिस निंदा स्तुति के बंधन को काटने के लिए चले थे, घूम फिर के फिर वहीं आ गए, भूल भुलैया के चक्कर में पड़ गए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि आवेश में आरंभिक काल में कई लोग बेचारे घरवार भी छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, और कालांतर में वह भूल जाते हैं कि हम साधु क्यों बने थे। लक्ष्य लेकर के चले थे भगवान का, कैसे भी भगवत प्राप्ति करनी है, दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और भूल गए कि हम क्यों बने थे। फिर वही ईंट पत्थर को इकट्ठा करना, मान प्रतिष्ठा अर्थ आदि के पीछे दौड़ना, राग द्वेष की वृत्तियां, जीवन निकल जाता है, राग द्वेष की वृत्तियां मन से नहीं निकल पाती हैं, क्या फायदा रहा फिर। और देखा जाता है तो और अधिक ऐसी वृत्तियां बन जाती हैं कि सामान्य व्यक्ति से भी उसका स्तर कहीं निम्न श्रेणी का हो जाता है। बेचारा घर परिवार में लगा हुआ, उसका स्तर उससे बढ़िया दिखाई देगा आपको, ऐसी दुर्दशा। तो उसका कारण यही है कि वो आत्ममंथन नहीं करा, उसने विचार नहीं किया हम कहाँ जा रहे हैं, मुझको क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि साधन का परिवसान, साधन में कहीं त्रुटि हो रही है। साधन का तात्पर्य है जिससे अपने साध्य को प्राप्त किया जाए। श्री जी के मंदिर हमको जाना है, तो श्री जी का मंदिर हमारा साध्य है, और उसके लिए जो क्रिया हम कर रहे हैं, गमन क्रिया, परिक्रमा मार्ग से होकर के जो हम श्री जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं, यह हमारी गमन क्रिया साधन है। तो साधन कहते हैं जो साध्य की प्राप्ति कराता है। तो गमन क्रिया हो रही है श्री जी के मंदिर की ओर, गमन क्रिया हो रही है, तो निश्चित ही हम श्री जी के मंदिर को प्राप्त कर लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधन कर रहे हैं, यानी गमन क्रिया हो रही है, अब हमको ज्ञात नहीं है कि श्री जी का मंदिर किधर है, और हम चले जा रहे हैं डवारे की ओर। तो साधन तो हो रहा है, गमन क्रिया हो रही है, लेकिन वो श्री जी के मंदिर चलते चले जाओ, डवारा रांकोली उधर आगे बढ़ते चले जाओगे कामा की ओर, श्री जी का मंदिर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका साधन विपरीत दिशा में हो रहा है, उस लक्ष्य से तो दूर ही होते चले जा रहे हैं। तो साधन वहां हो रहा है, गमन क्रिया हो रही है, श्रम भी शरीर में हो रहा है, लेकिन विपरीत दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए आरंभिक काल में आदव श्रद्धा ततो साधु संग, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, लक्ष्य तो बना लिया श्री जी का मंदिर, लेकिन मार्ग नहीं पता आपको, तो जिसको मार्ग पता है उसका आनुगत्य, उसके पीछे पीछे चले जाओ, अथवा किसी से पूछ लो।
तो इसलिए साधु संघ की आवश्यकता, साधु संघ यानी महाचरणों की आवश्यकता, महापुरुषों की सन्निधि की आवश्यकता। उनको पता है कि श्री जी का मंदिर किधर है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बीच में क्या क्या अवरोधक तत्व आएंगे, तो उनसे भी सावधान कर देंगे कि भैया बीच में बंदर बैठे रहते हैं, सावधान होकर जाइयो, सीधे निकल जाना। तो इसलिए साधन हो रहा है लेकिन साध्य से दूर होते चले जा रहे हैं, तो हमारे साधन में कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो वहां पर विचार करना चाहिए। नहीं तो भक्ति भजन हम करेंगे तो निश्चित ही यह तीन चीजें बढ़ती चली जाएंगी। यह जो अवस्था है असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया, यह संपूर्ण सिद्धांतों का जो पर्यवसान यहाँ पर हो रहा है कि भगवान से इतर वस्तुओं में मन हटता चला जाए। अब श्रवण में इतना मन लगता है ठाकुर जी की कथा श्रवण में कि दुनियादारी की बातें हमको फीकी लगने लग जाएं, सुनने का मन ही न करे, किसी की निंदा चल रही है, राग द्वेष की चर्चा चल रही है, वहां मन ही न जाए, एकदम घबराहट पैदा हो जाए मैं क्या सुनने लग गया। भगवान के नाम गुण लीला कीर्तन करने में ऐसा रस आए, ऐसी हमारी जिह्वा लग जाए कि इतर निंदा आदि में कभी जिह्वा का प्रयोग ही ना हो, ऐसा अवसर आए तो मन में घबराहट पैदा होनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए। तो असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मने और दृढ़ारतिर ब्रह्मणे निर्गुणे चया, दृढ़ारति उधर होती चली जाए। तो इस क्रम से यदि ईमानदारी से हम चलेंगे तो ये बातें स्वतः होती चली जाएंगी। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के 42वें श्लोक में कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्र के काला प्रपद्य मानस यथास्नता अस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति प्रपद्य मानस्य, प्रपद्य मानस्य से तात्पर्य है हरे हे भजनं कुरवतः। प्रपद्यमान में सानच प्रत्यय, क्रिया में नैरंतर्य बताने के लिए और वर्तमान काल का बोध कराने के लिए है, यानी जिस काल में जिस क्षण आप प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो भजन करोगे तो भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्र त्रिकेक काला। भक्ति माने प्रभु के चरणों में रति प्रेम, परेशान भव यानी भगवत स्फूर्ति, भगवान की अनुभूति, और भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र, अन्यत्र माने अन्य जो इतर वस्तुएं हैं भगवान से पृथक, जो दूर करने वाली चीजें हैं, राग द्वेष कलह क्लेश कामक क्रोध आदि की ये वृत्तियां, शरीर संसार की आसक्ति। तो विरक्ति अन्यत्र, अन्यत्र से सहज में विरक्ति होती चली जाएगी। जितने अनुपात में हम भजन कर रहे हैं उतने अनुपात में भगवान में प्रीति, संसार से विरक्ति और उनके स्वरूप की अनुभूति होती चली जाएगी। प्रपद्य मानस्य कैसे, उदाहरण देते हैं, यथास्नतः, आसनतः माने जो भोजन कर रहा है, तो भोजन करने के काल में ही यथास्नतः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद पाया। तुष्टि माने पेट भर जाना, पुष्टि माने शरीर इंद्रियों में शक्ति आ जाना, क्षुद पाया यानी भूख की निवृत्ति हो जाना। अस्नतः माने जो भोजन करने वाला है उसको अनुघासम यानी प्रत्येक ग्रास पे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की अनुभूति होने लग जाएगी। ऐसा नहीं कि आज भोजन करें कल पेट भरे और परसों भूख निवृत्त हो,
जिस क्षण अस्नतः यानी भोजन, देखने से काम नहीं चलेगा, अस्नतः क्रियापद, अस्नतः यानी जो भोजन कर रहा है, भोजन देख रहे हो, देखने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति नहीं आएगी, भोजन करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रपद्य मानस्य, केवल बातें बनाने से कार्य नहीं चलेगा, भजनं कुर्वतः, भजन कर रहे हैं, यदि वास्तव में यदि भजन कर रहे हैं, भजन में हमारी रुचि है, तो भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति रण्यत्र चैषत्रे त्रिक एक काला, ये तीनों चीज एक काल में होंगी, समान काल में, तीनों का काल में कोई भेद नहीं है। तुष्टि पुष्टि क्षुद अपाय यानी भूख की निवृत्ति, अनुघासम यानी प्रत्येक ग्रास पे, ऐसा नहीं कि प्रथम ग्रास पे तुष्टि आ गई, द्वितीय ग्रास पे पुष्टि आ गई, प्रथम ग्रास के अनुगुण ही जैसा आपने ग्रास ग्रहण किया है उतने अंश में उदर की पूर्ति, शरीर में शक्ति, भूख की निवृत्ति एक ही काल में। तो ऐसे ही भजतः भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति, जो ये 42वें श्लोक में एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा, वही सनत कुमार जी ने चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में कहा, असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मने दृढ़ा रत्र ब्रह्मणे निर्गुणे चया, साधन का फल भजन का फल दुनियादारी से मन हट जाए और भगवान में इतनी प्रगाढ़ता से लग जाए कि 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं गीता में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, अपर जो कोई भी वस्तु है, कैसा भी पदार्थ है, अपर कितना भी बड़ा लाभ है, उसको वह कुछ महत्व देता ही नहीं है। यम लब्ध्वा, तो वस्तु जिसको प्राप्त हो चुकी है, भगवद अनुभूति जिसको हो चुकी है, उसका क्या लक्षण है? बोले अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, अपर जो भी वस्तु हैं, जो भी पदार्थ हैं, ये सभी बातें आ गई, मान प्रतिष्ठा वैभव अर्थ आदि सब आ गया, इनको वह अधिक महत्व नहीं देता है। यदि इनको महत्व दे रहा है तो यम लब्ध्वा अभी वह प्राप्ति की बात है, वह नहीं आई, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं रहेंगी, इतर वार्ताओं को भी महत्व दे और प्राप्ति भी हो गई, नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसको प्राप्त करके जिसको भगवद अनुभूति हो गई, तो अपरम लाभम यानी अपर वार्ताएं, अपर लाभ, अन्य जो भौतिक लाभ हैं, अधिकम न मन्यते ततः, माने उससे वह अधिक उनको मान्यता नहीं देता, यानी उन अपर लाभों में अनुरक्त होकर के वो भजन को नहीं छोड़ता। तो समस्त साधनों का जो पर्यवसान बताया श्री सनत कुमार जी ने, दुनियादारी से मन हटता चला जाए, व्यर्थ की चर्चाएं, निंदा स्तुति राग द्वेष कलह क्लेश, इनकी प्रवृत्तियां, इनकी चर्च, इनका एक ऐसा रस, एक चस्का लग जाता है कि सुनने में भी जब तक नहीं सुनेगा व्यक्ति तो उसको उसका भोजन हजम नहीं होगा, जब तक किसी की निंदा नहीं कर लेगा तो उसका भोजन हजम नहीं होता है, ऐसी एक प्रवृत्ति बन जाती है। तो इनसे शनि शनि मन हटता चला जाए और भगवान में लगता चला जाए, तो यह भजन का जो प्रभाव है। तो साधन कर रहे हैं, साध्य की ओर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं? साध्य क्या है? संसार से निवृत्ति और भगवान में प्रवृत्ति, भगवान में लग जाना, यह साध्य है। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, साधन करते चले जाते हैं और साध्य से विमुख होते चले जाते हैं, उसका कारण है कि हमको साधन का सम्यक ज्ञान नहीं है। तो जहाँ साधन का सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए महत्पुरुषों का आश्रय अनिवार्य रूप से बताया गया। जड़ भरत जी के जीवन में यही एक छोटी सी त्रुटि रह गई। श्री भरत जी महाराज, ऋषभ नंदन भरत जी महाराज, आराधना इतनी उच्च स्तर की आराधना की है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र साधन आरंभ किया था, किसी भक्त किसी महत्पुरुष का आनुगत्य स्वीकार नहीं किया था,
ऋषभ देव जी ने आरंभ में जो उपदेश दिया उस उपदेश को ग्रहण करके जंगल में निकल गए और अकेले आराधन आरंभ कर दिए। यदि आज यहाँ कोई महापुरुष होते तो भरत जी जब मृग में अनुरक्त होते उस समय समझाते, बोध देते कि बेटा कहाँ पस रहे हो, इसी के लिए घरबार छोड़ा था क्या? लेकिन वह महापुरुष की कमी वहां पर खटक गई, यानी महापुरुष की जो आनुगत्य, जो सन्निधि प्राप्त नहीं की, स्वतंत्र साधन किया, तो सनई 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 मृग में मन फंसता चला गया। ऐसे समय पे सत्संग, सत्पुरुषों का संग, महापुरुषों की सन्निधि ऐसे समय पे बहुत काम आती है। इसलिए भरत जी ने स्वयं अंगीकार किया, जब रघुगण को उपदेश दिया कि रघुगण 12वें अध्याय में पंचम स्कंद में रहुगणई तत्तपसा याति न चेत जिया निर्वपणाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो अभिषेकम यत्रोत्तम श्लोक गुणान वादा प्रस्तुयते ग्राम्य कथा वाता निषेव्य माणो निधनम मोक्षो मतिम सतिम यच्छते वासुदेवे। रहुगण, यह मैं स्वानुभव बता रहा हूँ, तू तो क्या एक देश का राजा है, मैं तो संपूर्ण इस जम्बूद्वीप का अधिपति था, इस संपूर्ण भारतवर्ष का राजा था, अजनाब खंड का राजा था। रहुगण उस परमात्म तत्व को बिना महत्पाद रजो विषय का, महत्पुरुषों की चरण तल की सन्निधि के बिना तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तपसा, स्वतंत्र तपस्या कर लो, यज्ञ हवन आदि अन्य साधनों को कर लो, बिना महत्पाद रजो विषय का। बोले क्यों? बोले समस्या ये है, ये मन का कोई भरोसा नहीं है, मन बार बार उन्हीं ग्राम्य कथाओं में, ग्राम्य विषयों में जाता है। तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, क्योंकि जब महत चरणों की सन्निधि स्वीकार करोगे, महत्पुरुषों की सन्निधि में रहोगे, तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा, वहां नित्य निरंतर प्रभु का गुणानुवाद होता रहता है। तो उससे लाभ क्या होता है? ग्राम्य कथा विघाता, कतंचित ग्राम्य कथाओं में, ग्राम्य वार्ताओं में, इतर चर्चाओं में मन जाएगा तो उनका विघात, उनको नष्ट कर देने वाला उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते। वह श्री ठाकुर जी का नित्य निरंतर उनकी लीला, उनकी कथा, उनके स्वभाव का वर्णन करते रहते हैं, तो हमारा पूर्व संस्कारों के बस होकर के यदि मन संसार की ओर जाएगा भी तो महत्पुरुष बोध देंगे कहाँ भटक रहे हो, प्रभु में मन लगाओ। तो ग्राम्य कथा विघातक जहां पर उत्तम श्लोक गुणानुवाद हो, उससे क्या होगा? निषेव्य माणो निधनम मुमुक्षु, मुमुक्षु व्यक्ति जब अनुदिनम माने प्रतिदिन वह सुनेगा, तो जैसा सुनेगा वैसा ही मन बनेगा, तो वहां पर निरंतर हरि की चर्चा सुनने को मिलेगी। तो हमारी जो मति है ना, या असति है, अभी असति से तात्पर्य व्यभिचारिणी है, इसके स्वामी जो ठाकुर जी हैं उनको छोड़ करके इतर वस्तुओं में, इतर व्यक्तियों में लगी हुई है। जैसे व्यभिचारिणी नारी अन्य अन्य पुरुषों का आश्रय लेती है, ऐसे यह मति अन्य वस्तुओं का, अन्य पदार्थों का, अन्य व्यक्तियों का आश्रय ले रही है, असती हो गई है। लेकिन वहां पर जब निषेव्य माणा, उस ग्राम्य कथा विघातक जो प्रभु की चर्चा, उनके गुणानुवाद को प्रस्तुत करेंगे महापुरुष, उसको हम सुनेंगे, तो उससे हमारी मति है ना, यह सती हो जाएगी। सती से तात्पर्य सच्चारिणी, सच्चारित्रवती हो जाएगी, और मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, भगवान में मति लग जाएगी। तो जड़ भरत जी कह रहे हैं कि रघुगण, यह कमी मेरे यहाँ रह गई कि ग्राम्य कथा विघातक गुणानुवाद प्रस्तुत करने वाले किसी महापुरुष की सन्निधि नहीं ली, नहीं तो जिस क्षण मेरा मन मृग में अनुरक्त हुआ था उस समय ग्राम्य कथा विघातक यदि वह गुणानुवाद मुझे श्रवण करने के लिए मिल जाता, उस समय यदि कोई बोध देने वाला महापुरुष मिल जाता, तो मृग में अनुरक्त नहीं होता। तो मृग में अनुरक्त हुए और शनै शनै तद्भाव भावित होते चले गए, मृग के भाव से भावित हो गए, कृष्ण स्मरण छूटता चला गया,
और अंतिम बेला में भी उस मृग का ही स्मरण बना रहा। तो जिस क्षण भगवत प्राप्ति होनी थी, इतना बड़ा अंतराल उपस्थित हो गया कि मृग के भाव से भावित होकर के शरीर का परित्याग किया, तो द्वितीय जन्म भी मृग का ही प्राप्त हुआ। इसलिए मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा त्यागी, कितना बड़ा महापुरुष, कि जहो युवै व मलवद उत्तम श्लोक लालसा, 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, यो सुहृद राज्य दारे स्पर्शान हृदय स्पर्श। जिन राजर्षि भरत जी ने युवावस्था में विषयों का त्याग, कितनी बड़ी बात है। राजा थे, कितना बड़ा वैभव, रानियां, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, हृदय स्पर्श, देवता लोग भी जिसकी स्प्रिया करते थे, ऐसा वैभव, ऐसी भोग्य सामग्रियां थीं उनको युवावस्था में। और मलवत जहो, मल की भांति जैसे मल परित्याग करके चले आते हैं और फिर उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, ऐसे उस स्वर्ग राज्य संपत्ति को छोड़कर के चले आए। इतना बड़ा त्याग और मन ने धोखा दिया तो कहाँ आकर के फंस गए, मृग में मन ने धोखा दे दिया। देवता भी जिनकी स्प्रिया कर रहे हैं, ऐसी रमणियों को छोड़ करके आए, ऐसे वैभव को छोड़ करके आए, उनके त्याग की पराकाष्ठा, लेकिन मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी उच्च अवस्था पर भी और आकर के कहाँ फंस गया, मृग में फंस गया। जड़ वर्जी के चरित्र से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकता है। किसी भी अवस्था में इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा, भक्ति अमोघ है। भले ही मृग की योनि में चले गए, मध्य में अंतराल उपस्थित हो गया, लेकिन प्रथम जो उन्होंने भजन किया था वह भजन उनका नष्ट नहीं हुआ। भक्ति अमोघ है। भगवान का वाक्य है, अर्जुन प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता में 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, है कौन्ते, है अर्जुन, यह प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी प्रणाश, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि वह जो भक्ति का अंकुर है, अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति अमोघ है, वह नष्ट नहीं होती। मध्य में अंतराल भले ही आ जाए, तो मृगाशक्ति के कारण मध्य में अंतराल भले ही आ गया, लेकिन उस भक्ति के प्रभाव से मृग शरीर में भी उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। और मृग शरीर के छूट जाने पर पुनः ब्राह्मण घर में जड़ भरत जी के रूप में उनको शरीर प्राप्त हुआ, और वहाँ उसी पूर्व योग, पूर्व भजन के बल से पुनः भजन आरंभ किया और भगवत प्राप्ति हुई। तो एक तो मन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए सतत साधन की आवश्यकता है। कीर्तन, कीर्तन से उठे श्रवण में लग गए, श्रवण से उठे परिचर्या में लग गए, कभी स्वतंत्र न छोड़ा जाए। तो ऐसा साधन सतत निरंतर चलता रहे, उससे सहज में विरक्ति, अन्यत्र और भगवत स्वरूप की अनुभूति भगवान के चरणों में रति होती चली जाती है। और यदि भगवान के चरणों में रति नहीं हो रही और दुनिया में मन और फंसता चला जा रहा है, भगवान की कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो वहाँ थोड़ा विचार करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने के लिए आया था, कि मेरे साधन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। क्योंकि यदि साधन ईमानदारी से चल रहा है, भजन ईमानदारी से चल रहा है, तो वैराग्य यानी इतर वार्ताओं से निवृत्ति, निंदा स्तुति राग द्वेष कलह क्लेश, ये सब बातों से मन हटता चला जाएगा, भगवत स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। जय श्री राधे।